हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद मनु में। और आज हम बनाने वाले हैं बटर गार्लिक ब्रेड। बहुत ही इजी तरीके से और बिना चीज़ के हम इसे बनाने वाले हैं, सिर्फ बटर और गार्लिक से। बहुत ही यमी सी और क्विक सी ये रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे टी टाइम में या स्नैक टाइम में इसे बनाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पाव लिए हैं, ये दो पाव लिए हैं मैंने। मैंने ब्रेड का यूज़ नहीं किया है, आप इसकी जगह ब्रेड भी ले सकते हैं, पूरी तरीके से ये ऑप्शनल है। बस यहाँ पे पाव लेने का रीज़न ये है कि ये जो पाव है इन्हें हम अपने शेप में अपने मर्ज़ी से जितना हमें चाहिए उतना हम कट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पाव लिया है। ब्रेड जो होती है बहुत ही पतली होती है, इसलिए मैंने ब्रेड नहीं ली है। आप इसकी जगह ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं या पाव भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसे हमें कट कर लेना है। यदि आप ब्रेड लेते हैं तो ब्रेड को भी इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लीजिए। और आपको ये साइड्स का डार्क वाला जो पार्ट है यदि वो पसंद नहीं है तो उसे भी आप कट करके साइड में रख सकते हैं। तो बस इसी तरह से देखिए, मैंने लंबे लंबे पीसेस में सभी को कट कर लिया है। ये रेडी हो गई है हमारी ब्रेड। अब हम इन ब्रेड को साइड में रखते हैं और हम यहाँ पे इसका मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इस पर डाल दिया है मैंने 2 छोटे चम्मच के बराबर बटर। बटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी रख रही हूँ। और मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि मैंने लहसुन ली है, इसके बाद धनिया लिया है, नमक लिया 1/2 छोटा चम्मच और 1 पिंच मैंने मिक्स हर्ब और काली मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 छोटा चम्मच ही मैंने लिया है चिली फ्लेक्स। तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बटर में ऐड कर देंगे धनिया, नमक, मिक्स हर्ब, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स। आपके पास यदि इनमें से कोई सी भी चीज़ नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इन सबको डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर गार्लिक। तो ये गार्लिक मैंने 1 बड़ा चम्मच के बराबर डाल ली है। अब इस सब को हम कर लेंगे मिक्स। ये बिल्कुल इतनी ही क्वांटिटी में हमें चाहिए और इतने ही इंग्रेडिएंट चाहिए। यदि आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो सिर्फ आप इसे बटर गार्लिक में बना सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। ये बिल्कुल परफेक्ट वाला टेस्ट देने वाला है। अच्छी तरीके से हम इन्हें मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छा पेस्ट बना लिया है। यदि आपके पास मेल्टेड बटर है तो आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, इसी बटर को थोड़ी देर मेल्ट होने के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट रेडी है और अब हम इसे अप्लाई करना शुरू करते हैं हमारे ब्रेड पर। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, बिल्कुल पतली सी लेयर हमें इन ब्रेड के पीसेस पे लगानी है। यदि आपको स्पून से इसमें दिक्कत हो रही है तो आप फिंगर की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने एक ब्रेड के पीस पे इस तरीके से बिल्कुल आराम से धीरे धीरे कॉर्नर कॉर्नर पर भी इसे लगा लिया है। इसी तरह से हमें सारे ब्रेड के ऊपर इस पेस्ट को लगाकर रेडी करना है। बस तो इसी तरह मैंने रेडी कर लिए हैं ये सारे पीसेस। देखिए कितने यमी से दिख रहे हैं अभी से ही। तो चलिए अब इन्हें कुक करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गैस पर मैंने ले लिया है तवा, मैंने लिया है नॉनस्टिक तवा, आप कोई सा भी तवा ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें बटर डाल रहे हैं। और गैस का फ्लेम रखा है मैंने मीडियम पे और अब हम इसमें जल्दी जल्दी डाल देने वाले हैं ये हमारे ब्रेड के पीसेस, इस तरीके से उल्टा करके जिस साइड हमने बटर गार्लिक का पेस्ट लगाया है उस साइड करके हम इसे रख देंगे। और 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम इसे रहने देंगे और 1 मिनट बाद हम इन्हें पलट लेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुके हैं, जो हमारे बटर है वो मेल्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, आप चाहें तो इसे लो भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इन्हें पलट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारे ब्रेड के पीसेस को यहाँ पे पलट लिया है, देखिए। बस अब दूसरे साइड भी हम इसे 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे। यदि आप ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो उसे सिर्फ 30 से 40 सेकंड ही कुक करें, नहीं तो वो नीचे से जल जाएगी बहुत ही जल्दी। मैंने पाव लिया है इसलिए मैं इसे 1 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये कुक नहीं हो रहे हैं तो मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दिया है। तो देखिए हाई फ्लेम पर मैंने इन्हें नीचे साइड से कुक किया है क्योंकि मुझे थोड़े से क्रिस्पी करने हैं इन्हें। तो अब ये हो चुके हैं बिल्कुल रेडी क्रिस्पी, तो हम जल्दी से इन्हें साइड में कर लेते हैं।
तो ये रेडी हो चुके हैं हमारे बटरी गार्लिक ब्रेड। एंजॉय कीजिए इन्हें टी टाइम पे, स्नैक टाइम पे, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं हम कुक विद मनु पर एक नई वीडियो के साथ। यदि रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ऐसी ही यम्मी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए।